आपने उसकी इज्जत लूट ली। मैंने ऐसा क्यों किया आपने? हमारे भाई थे, ये बाहर से आए। मतलब आप विदेश से आए तो आप हमारी कुतिया को भी छोड़ेंगे? हमारे भारत की कुतिया मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? आपको कुत्ते भी मिल सकते थे ना। कुत्ते के साथ कौन करता है, कुत्तियों के साथ ही करता है। अब उसमें चाहे लड़कियां हो चाहे कोई भी हो। सो गाइस, आज मैं बहुत अहम मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। रात के सन्नाटे में हुआ कुतिया के साथ अत्याचार, चलिए मिलवाते हैं वैसी दरिंदों से। सो आपने ऐसा क्यों किया उस कुतिया को, अत्याचार क्यों किया उसके साथ? अरे वो मेरे को पसंद ही नहीं थी, वो परेशान करती थी मेरे को, इसलिए। तो आप उसके साथ बलात्कार करेंगे, अत्याचार करेंगे उसके साथ? अरे कुछ नहीं किया, वो पागल थी बिल्कुल, पीछे पीछे भागती थी ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपके आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? है, गर्लफ्रेंड है। तब भी आपने कुतिया के साथ ऐसा किया, आपको शर्म नहीं आई जरा भी? लड़कियों की कमी पड़ गई थी। सो गाइस, लड़कियों की कमी पड़ गई थी ये ऐसा बोल रहे। इनको कुतिया ज्यादा पसंद आ रही थी, इसीलिए उन्होंने उसके साथ अत्याचार किया और उसको शर्मसार कर दिया। अभी इसके लिए कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए। सो गाइस, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने किया जो किया है, हमें पूरा एक्सेप्ट है। और हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इनको जल्दी जल्दी तिहाड़ जेल भेजा जाए और इनको जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं तो आपने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, गलती हमारे भाई की थी, क्योंकि भाई की ज्यादा तेज यही चला रहे थे, तो मैं तो पीछे बैठा था, तो पीछे पीछे भागी अपने। तो आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आपने कुतिया को किया शर्मसार, आई नो, तो आपने उसकी इज्जत लूट ली। मैंने ऐसा क्यों किया आपने? हमारे भाई थे, ये बाहर से आए। मतलब आप विदेश से आए तो आप हमारी कुतिया को भी छोड़ेंगे? हमारे भारत की कुतिया मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ, सच्ची मुझे फंसाया जा रहा है। आपको फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड है? मेरी नहीं। तो मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इनको गर्लफ्रेंड दिलाई जाए, क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए कुतिया के साथ ऐसा कर रहे हैं। आपको सर नहीं, ऐसा कुछ कुतिया के साथ नहीं, भाई का आते इसमें सब हमारा कुछ नहीं है। तो आप, आपको इन्होंने बोला था कुतिया के साथ ऐसा करने को? भाई ने किया जो कुछ किया, अपने को कुछ नहीं बताया। आपने ऐसा क्यों किया? आपको जरा भी लाज शर्म की, मतलब जरा भी लाज शर्म नहीं है क्या? भाई जरा बाहर से आए तो भाई को कुछ न्यू करना था इंडिया में, आजकल जैसे टिकटॉक चल रहा है, तो भाई को भी कुछ ऐसा अलग छाना था, तो भाई ने जो कि अपनी चॉइस से किया कि मेरे को भी फेमस होने का है। तो आप ऐसा करके फेमस होंगे? ऐसा करके आप फेमस होंगे? आजकल पब्लिक किसी भी चीज से फेमस हो रही है, तो भाई ने सोचा कि हमें इसी तरीके से फेमस हो जाता। तो आपने कुत्ते को क्यों नहीं चॉइस किया, कुतिया क्यों चॉइस किया? ये चीज तो भाई के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ने ये ऐसा चॉइस क्यों रखा। अच्छा, भाई बोलेंगे कुछ अभी। हाँ, तो आपने कुत्ते को क्यों नहीं चॉइस किया, आपने कुतिया को क्यों चॉइस किया? अभी आपको पता है वो प्रेग्नेंट है, 4 बच्चों के आप बाप बन चुके हैं। 4 बच्चों के? सॉरी, 12 बच्चों के। अरे यार, ये तो यार सीन कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एकदम निर्दोष हूँ। आप निर्दोष है, पर वो कुतिया चीख चीख के इंसान मांग रही है, इंसान मांग रही है। वो कुतियों को कहाँ से पकड़ूं? वही मैं बोल रही हूँ, सरकार से मैं गुजारिश कर रही हूँ, प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रही हूँ कि इनको गर्लफ्रेंड दिलाई जाए, नहीं तो ये हमारे देश की कुतियों को बदनाम कर देंगे, शर्मसार कर देंगे। आपने ऐसा क्यों किया, आपको कुत्ते भी मिल सकते थे ना। कुत्ते के साथ कौन करता है, कुतियों के साथ ही करता है। अब उसमें चाहे लड़कियां हो चाहे कोई भी हो। पर आपके 12 बच्चे आ चुके हैं, अभी आप उनका क्या करेंगे? आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे? सोचेंगे। पर वो 4 बच्चे 4 पैर पे चलते, आपकी तरह नहीं चलते, पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, कहीं को भी घर में को रखना है, कहीं को भी कोई बात नहीं। बच्चे किसी के भी, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ, तो वो आप ही के बच्चे हैं, पर आपको पता है वो कुतिया इंसान मांग रही है, पूरे भारतवर्ष से सभी से इंसान मांग रही है। तो मैं गुजारिश करती हूँ, दिखा दो मुझे एक बार, है कहाँ कुतिया? वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। बुलाओ ना, मैं बुला दूंगी। किसको हमने शर्मसार किया है पता तो चले में? आपने ऐसा काम किया, आपको ही नहीं पता? आप कैसे, अंधेरा हो रहा था ना, पता नहीं चला। तो ये बोले रात के सन्नाटे में इन्हें लड़की नहीं मिली, तो उन्होंने कुतिया के साथ ऐसा कर लिया, इनको कुत्ते की जरूरत नहीं थी, और अभी ये 12 बच्चों के बाप बन चुके हैं, और कुतिया यहाँ पे इंसान मांग रही है, इंसान मांग रही कोर्ट में जाके, पर इनको जरा भी शर्म नहीं आ रही है। मैं इनको बोलती हूँ कि जाके समंदर में डुबकी लगा। तो इनका मानना है कि इनको मानना है कि दिल्ली वाले बेशरम होते हैं, वो लोग कुतियों को भी ऐसा कर सकते हैं। मुंबई के अंदर खड़ा हो गए क्या बोला ना? क्या बोला ना मैंने अभी? क्या बोले आप? मैं मुंबई
भूल गया, दिल्ली से हूँ, दिल्ली से हूँ। इनको दिल्ली ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा है, दिल्ली बेली क्या कर रहे हैं, इनको कमर से बेली, वो बेली भी कर रहे हैं। हाँ। कमर से बेली करके दिखाइए। नहीं नहीं डांस वांस नहीं करते। तो ये गुटखा भी खाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 5 रुपए का गुटखा खा के आप इतना कुचड़ा, इतना पीक पीक कर देते हैं, इनको जरा भी शर्म भी नहीं आती है। आप ऐसा क्यों करते हैं, 5 रुपए का गुटखा लेके आप किधर भी थूक देते हैं। 5 रुपए का नहीं है रजनीगंधा, 20 रुपए का बेइज्जती करो तुम। 5 रुपए का गुटखा आता है, सभी भारत वर्ष जानते हैं कि 5 रुपए का रजनीगंधा 20 रुपए का है, 20 रुपए का आता है, अच्छे लोगों की अच्छी पसंद। तभी आपके मुंह में इतना सुअर जैसा चिपका हुआ है रजनीगंधा, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही, आपने कितना घोर अपराध किया है। तो अभी इनका कहना है कि आगे भी ऐसा करते रहेंगे, पर मैं अपने भारतवर्ष से प्रधानमंत्री से अपील चाहती हूँ कि इनको जल्दी जल्दी, इनको जल्दी जल्दी गर्लफ्रेंड दिला दे, और उसके उसके लिए इनको तिहाड़ जेल भेज दे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। इसी के साथ हमारी न्यूज समाप्त होती है। क्या बोलना चाह रहे हैं, वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब है, तो अभी तिहाड़ की जरूरत नहीं, बस एक गर्लफ्रेंड दिला दो, वही बहुत है हमारे लिए। सारे तुम सिंगल ही मरोगे, तुम सिंगल है।